2 जून 1989 को जन्मी ललिता बाबर एक भारतीय लंबी दूरी की धाविका है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह मुख्य रूप से 3000 मीटर स्टीपलचेज में प्रतिस्पर्धा करती है और उसी स्पर्धा में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और मौजूदा एशियाई चैंपियन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी और भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2015 में बाबर को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। अबर का जन्म 2 जून 1989 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले के एक गांव मोही में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका जन्म ऐसे क्षेत्र में हुआ था जो नियमित रूप से सूखे से प्रभावित रहता था, जिससे क्षेत्र की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। बाबर ने लंबी दूरी के धावक के रूप में ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में अपना करियर शुरू किया। 2014 में वह मुंबई मैराथन की हैट्रिक विजेता बनी। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बहुविषयक आयोजनों में पदक जीतने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने मैराथन में अपनी जीत के बाद जनवरी 2014 में 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्विच किया। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 2014 एशियाई खेलों में उन्होंने फाइनल में 9:35.37 का समय लेते हुए कांस्य पदक जीता। इस प्रक्रिया में उन्होंने सुधा सिंह का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर ने कम उम्र में लंबी दूरी के धावक के रूप में एथलेटिक्स में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 2005 में पुणे में अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत की ललिता बाबर रियो डी जनेरियो में 3000 मीटर महिला स्टीपलचेज फाइनल में 9:22.74 का समय लेकर 10वें स्थान पर रही। 27 वर्षीय जिन्होंने पीटी उषा के बाद ट्रैक इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली केवल दूसरी भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा। ओलंपिक 9:19.76 की अपनी ही टाइमिंग को पार नहीं कर सकी। बहरीन की रूथ जेबेट ने 8:59.77 के अविश्वसनीय समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो 8:58.81 के विश्व रिकॉर्ड से कुछ ही पीछे रह गई। भारतीय धाविका ललिता बाबर ने शनिवार को महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में हीट में 7वें सबसे तेज समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बाबर ने अपनी दौड़ में शुरुआत में लड़खड़ाने के बावजूद राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 9:19.76 के समय के साथ अपनी हीट में 4थे स्थान पर रही। पीटी उषा के बाद बाबर ओलंपिक में ट्रैक इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने 1984 ओलंपिक में यह उपलब्धि हासिल की थी।